तो दोस्तों आज हम लोग जिम करके आए थे, लेकिन खाने के लिए हम लोग चना भिगाना भूल गए थे रात में। मगर क्यों? तो ये अपने अन्ना भाई जो है ये प्रोटीन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सोयाबीन की बरी है, इससे कुछ तो बना रहे हैं अच्छा सा। आलू प्याज व्याज सब डाल रहे हैं इसमें। बन रहा है सोयाबीन की बरी। और ये अपने पास मूंगफली भी रखी है प्रोटीन के लिए। तो गाइस प्याज काटने का निंजा टेक्निक। और कोई नई टेक्निक? नई टेक्निक अब देखो इसके लिए तो वो बड़ा वाला चाकू चाहिए। चलो ठीक है, जैसा हो रहा गाइस वैसे ही अपन खाएंगे और जल्दी बनाएंगे और खाएंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे। जल्दी खा दे 30 पूरी। बहुत ही घटिया थ्रो, गजब बेइज्जती है। हाँ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सिखाऊंगा किस तरह से सोयाबीन की हम बड़ी बना सकते हैं। सबसे पहले अपन को लगेगा ऑयल जो कि तो ऑयल से पहले लगेगा हमको करना पड़ेगा गैस ऑन। इतना तो पता यार हम। ओकरे बाद फिर इरा चालू कर दो। ओकरा के बाद केला मतलब थोड़ी सी तेल डाल दो। अपन ज्यादा तेल नहीं खाएंगे क्योंकि अपन जिम वाले हैं। जिम वाले अपन थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा। गरम तो होने देते हैं उसको, स्वाद अनुसार तेल को गरम तो होने दो। गलती कर दिया अपन। क्या सेफ बनेगा रे तू। प्याज अभी वीडियो देखने के बाद मेरे को पक्का निशिता फोन करेगी। ये कभी मेरे को भी खिला दो, निशिता आपको भी खिलाया जाएगा। खाना बनाते समय पसीना बहुत निकलता है। एप्रोन मान लो उसका। वो सुपरमैन वाला उल्टा सुपरमैन। इसने अच्छा। अरे तुम बांध तो लो। एक नंबर। खाना बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें। कपड़े आपने गंदे नहीं होंगे। हाँ तो इसको बांध बस। इससे आपको बहुत कुछ फायदा है कि पसीना पोछ सकते हो वहीं। पोछ सकते इसमें ऐसे। और ये तौलिया नहाने के काम भी आ जाता है। यदि मान लो खाने में गिर गया तो खाने का स्वाद ज्यादा नमकीन हो सकता है। अभी हमारे मुकुंद भाई बॉक्सिंग सिखाएंगे हम लोगों। सिखाइए भाई। तो मुकुंद भाई की बॉक्सिंग स्किल क्या बात है। कट एक पंच यही मारने का। तो मामा हमारे कॉलेज में कटोरा छाप लोग बहुत हो गए। मामा कटोरा छाप लोग बहुत लोग हो गए हमारे कॉलेज में। अरे हर कोई देखा जाए तो कोई बोलता 100 रुपये देते, कोई 200 रुपये ले। तो गाइस आजकल पता नहीं खैरागढ़ में हमारे दोस्तों हम लोग से पैसा मांगते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग भी बाहर ही पढ़ने के लिए आए हैं भाई। हमारे पास कोई पैसा ऐसे नहीं है। हम लोग फिर भी गिन चुने कि किसी किसी को पैसा दे देते हैं, वो भी टाइम से नहीं देते हैं। तो इस बात का बहुत दिल से बुरा लगता है। और ये वीडियो देखने के बाद उनको बुरा लगेगा तो हमको क्या जाता है भाई, चलता है। क्यों आप परेशान नहीं इस चीज़ से? तो आप जिसको जिसको पैसा लेना भाई मुकुंद भाई से कॉन्टैक्ट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में मुकुंद भाई का नंबर दे दूंगा। तो गाइस ये फाइनल प्रोसेस पे आ चुका है और इसमें हम लोगों ने सोयाबीन बड़ी डाल दी है। ये चिकन जैसा दिख रहा है। वाने चिकन ही है अपना, शाकाहारी लोगों का चिकन है ये। सोमवार का चिकन है। सोमवार का चिकन, बाकी संडे का तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हम अभी नमक डालता हूँ, ऐसे वाला नमक डालता हूँ ना मैं, दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों ये है हमारे पास नमक। नमक समक इसको भी मैं डालता हूँ। हाँ हाथ धुले थे कि नहीं? पहले धो। इधर का धुला था कि नहीं? पसीना था क्योंकि उधर। अरे खा तो चढ़ा रहा है वैसा लग रहा है यार। हाँ चलो। तो दोस्तों अभी मैंने नमक भी डाल दी है। मेरे को पता है कि नमक अभी कम हो सकता है तो इसलिए हम लोगों ने और थोड़ी नमक चम्मच से डाल दी है क्योंकि हाथ से ज़्यादा डालने में दिक्कतें आ सकती हैं। हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखें दोस्तों। हाँ तो अभी बस मैगी मसाला नहीं बना। अरे रखा है, ये रखा है। शक्ति दे। तो दोस्तों मैं जो प्रोडक्ट का मतलब डाल रहा हूँ इसको मतलब मैगी मसाला कहते हैं। तो मैगी वाले इसको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप के लिए। हमने प्रमोशन कर दिए हैं उनका। अभी हम लोग इसे मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला डालने का एक तरीका होता है दोस्तों, लिहाजा होता है। लिया। हाँ ये पूरा डाल देता हूँ। हाँ डाल देता हूँ। देखो ज़्यादा तेज ना हो जाए, नहीं होगा वैसे क्वांटिटी उसका ज़्यादा है। आप टिफिन सर्विस चालू करो बोलेंगे। हाँ दोस्तों यदि आप मेरे से टिफिन लगाना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझको कॉल कर सकते हैं
वन बार जीत और लास्ट में एक वन है। अच्छा हाँ यार एक वन भी है। आप मेरे को कॉल करिए मैं नहीं उठाऊँ। बॉक्सिंग बॉक्सिंग हाँ ये सामने वाले को कंफ्यूज करने वाला बॉक्सिंग है भाई मैं एक पंच दिखा वो सोचेगा कि आप डांस कर रहे हो उसी समय आप पंच मार दोगे। मैं आपको एक पंच दिखाता हूँ बहुत अच्छा पंच जैसे आपको किसी को कंफ्यूज करना है कि आप हैंड से मारेंगे लेग से मारेंगे आप कुछ मत करें दोनों से मारिए ऐसा फिर से पूरे फ्रेम में आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ ये बहुत ही मतलब खतरनाक टेक्निक है। इसको मैंने अपने गुरुजी रफ्तार से सीखा तो इसको मारने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप एक पोजिशन लीजिए ठीक है आप सीधे खड़े रह सकते कोई दिक्कत नहीं आप मारिए ऐसे आप वो गिद्धा सीखे गिद्धा गिद्धा डांस होता है ना। तो गाइस फाइनली हमारा जो नाश्ता मतलब क्या बोल सकता हूँ इसको मैं ये बन चुका है और इस तरह से इसका कलर आ रहा है और मुझको इससे अच्छा तो और बनाने नहीं आता। मैंने मुकुंद भाई को थोड़ा टेस्ट कराया था तो मुकुंद भाई बताएंगे कैसा लगा था भाई बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाई इसको जल्दी जल्दी अपन लेते हैं अपने अपने प्लेट पे और उसको जल्दी खाते हैं उसके बाद कॉलेज भी जाना है अपन लोगों। धोखे से अच्छा बन गया शायद धोखे से अच्छा बन नहीं इसको मैगी मसाला ने इसको पावर दे दिया था लाज रखियो मैगी वो राज रखियो। चलो भाई जल्दी खाते वगैरह फिर उसके बाद अपन को कॉलेज भी जाना है। यो यो तो गाइज मैंने भी इसको टेस्ट कर लिया है कि और ये बहुत ही मतलब उतना भी स्वादिष्ट नहीं है लेकिन अच्छा है मतलब खाने लायक है क्यों मतलब बन चुका है जो भी है उसको खाना पड़ेगा भाई अपन फेंक नहीं सकते। वैसे तो बहुत अच्छा ही बना है मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को पता है इस ब्लॉग को देखने वाले जो जो मेरे दोस्त लोग उन्हें बोलेंगे हमको भी खिलाओ करके भाई अरे यार जरूर भाई नहीं खिलाएंगे आप लोगों को भी अपन लोगों ने मुश्किल से बनाया आप तुम लोग को क्या खिलाएंगे बन गया पता नहीं कैसे कुछ कुछ डाले और गैस जलाए तो बन गया वो हाँ मतलब ये बन गया चलो अब नहीं बन पाया अब नहीं बन पाया। ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं अपन कॉलेज चलते हैं फिर कॉलेज का कुछ शूट वगैरह कर सके तो करेंगे नहीं कर पाएंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं। यो तो भी गाइस हम लोग बस स्टैंड आए हुए थे क्योंकि बस स्टैंड में अपन जो खिलेन भाई को सामान भेजना था दिल्ली राजा अपना फोन ठीक है दोस्तों दिल्ली जाने वाली बस सुनना जल्दी जा वहाँ पुराना बस स्टैंड जा ठीक है मैं मार जा। और अभी हमारे गुरु जी आने वाले हैं और चोरी छुपे में वीडियो बना रहा हूँ भाई बहुत। तो गाइस ये हमारा क्लास है यहाँ गुरुजी बैठते हैं और ये तबला वगैरह रखा हुआ और हमारे सुमित भाई हैं फोटो वगैरह ले रहे हैं उधर सरस्वती माता जी प्रणाम और हमारे दोस्त नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हमारी क्लास खत्म हो चुकी है और अब लोग जा रहे हैं और हम लोग को थोड़ा काम है फॉर्म वगैरह सबमिट करना था तो फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे और चलते हैं। सबसे पहले मेरे को अपना रिजल्ट का फ़ोटो कॉपी निकलवाना था तो उसके लिए पहले चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं छत पर और आज का जो मौसम है बहुत खुला खुला सा है बादल भी मस्त बने हुए हैं और हमारे साथ दो भाई लोग हमारे मुकुंद भाई और कामेश्वर अभी भाई लोग मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं भाई लोग मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं अब भी मैंने अपलोड किया है भाई यहाँ पहले भी बार समय है तेरे। हाँ भाई सबसे पहला व्यू यही करता भाई मुकुंद मेरा भाई। तो भाई हमारे कामेश्वर भाई फुल अच्छी तरह से क्या बना रहे भाई भाई बस सेवन क्या बढ़िया बनाना पड़ रहा है। शादी होगा तो मैं संन्यास ले लूँगा खाना बनाने के लिए शादी होगा तो संन्यास ले लूँगा भाई बहुत भाई याद है अपने किचन बहुत गंदा। अरे तो क्या हो गया भाई बैचलर लोग और कैसे होगा क्यों भाई कैसे ही होगा बैचलर लोग का ऐसे ही होगा। तो भाई लोग का जो रूम है बहुत बेहतरीन रूम है इतना बड़ा हॉल है भाई बहुत बड़ा हॉल है इन लोग का मतलब आराम से यहाँ मतलब 6, 8, 10, 12, 17, 18 लोग सोच सकते हैं मतलब। और ये इन लोग की अलग से किचन है भाई किचन भी आप लोगों ने देख लिया कितनी बड़ी किचन है अलग से एक छोटा सा और यहाँ पे इस मतलब जगह पर क्या बोल सकते हैं उसको स्पेस है थोड़ा सा इधर भाई अपना म्यूज़िक वगैरह का पूरा काम करते हैं कामेश्वर भाई और सब भाई लोग ये भाई पैड बजाते हैं ड्रम बजाते हैं या कीबोर्ड बजाते हैं और ये भाई पूरा हर चीज़ करते हैं मल्टी टैलेंटेड है। ये एक रूम है ये अभी अंधेरा है यहाँ पास बटन होगा तो चालू करते हैं अपन लोग। ये भी एक रूम है यहाँ पास स्टूडियो बूथ जैसा कुछ बनाने की कोशिश की गया है और उन लोगों को बाथरूम वगैरह ये एक रूम है और एक और ये रूम है भाई तो बहुत ही अच्छा रूम है इन लोग का। कितना रेंट देते हो भाई आप लोग
5000 5000 में भाई 1, 2, 3, 4, 5 है, 8 कमरे मिले हैं इन लोगों क्यों भाई तो गाइस मैं आप लोग एक चीज दिखाना चाहूंगा, इतना बड़ा कीबोर्ड है कि इसमें कितने कीस वाले भाई है? 88 फुल कीज है। मैं इसके पीछे नहीं जा सकता क्योंकि पीछे दीवार है और इसके कम वो नहीं हो पा रहा है। अभी आशीष भाई बजाएंगे इसको, ये इनको देखा होगा आपने मेरे एक और ब्लॉग पे